लाहौर में एमएओ कॉलेज के करीब एहतजाज और शेलिंग का सिलसिला जारी है। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक तसादुम के दौरान दो पुलिस अहलकार जाँ बहक हो गए। दोनों अहलकारों की ड्यूटी पर एमएओ कॉलेज सेक्रेटेरिएट पर थी। मुल्तान रोड से शुरू होने वाला एहतजाज, दोस्तों आपने ये क्लिप देखी, मैं बता रहा हूँ ये जो TLP का धरना हो रहा है, तहरीक लब्बैक का, इसको पाकिस्तानी मीडिया में कवर नहीं किया जा रहा। अगर आपको ये फॉलो करना है ट्विटर पर आए, #TLP धरना टाइप करें विदाउट स्पेस, आप देख लेंगे कितने खतरनाक वीडियो वहां से आ रहे हैं। तो दोस्तों ये TLP बॉयज फिर निकले, लास्ट ईयर ये निकले थे, इन्होंने तहलका मचा दिया था, सारा पाकिस्तान 2-3 दिन के लिए जाम हो गया था। ये इस्लाम की रक्षा के लिए निकले और मैं इनको सपोर्ट करता हूँ क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है, तो इस्लाम की रक्षा पाकिस्तान का मतलब एक जन्मसिद्ध अधिकार है। फ्रांस के जो लोग हैं उनको मैसेज जाना चाहिए इनके पास एटम बम है। तो चलिए दोस्तों पहले पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के अंतिम भाग में करते हैं कुछ बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर। सेक्रेटेरिएट पर थी। मुल्तान रोड से शुरू होने वाला एहतजाज रैली पर पुलिस ने इस वक्त शेलिंग की है जब मुजाहिरीन यतीम खाना चौक से रुकावटें हटाकर एमएओ कॉलेज तक पहुंच गए। एमएओ कॉलेज के करीब पुलिस ने मुजाहिरीन पर शेलिंग कर दी। कॉलेज के करीब पुलिस की भारी नफरी तैनात है। दूसरी तरफ तर्जुमान मुजाहिरीन का कहना है कि मुजाहिरीन पैदल हैं, पुलिस पर गाड़ियां चढ़ाने का इल्ज़ाम गलत है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़ियाकार समी इब्राहिम साहब। समी इब्राहिम साहब, ये हो क्या रहा शहर में, सूरत हाल क्या बनती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए ये कंप्लीट फेलियर है, हकर है हुकूमत का, और जो आज हमें नजर आया कि किसी भी मामले को हैंडल करने की इनकी कैपेबिलिटी नहीं और झूठ बोल रहे हैं। आप अगर देखें फुटेजेस देखें तो उसमें जो मुजाहिरीन थे उनमें से किसी के पास कोई लठ भी नहीं है, कुछ नहीं है, और वो पैदल है, उनके पास कोई गाड़ी नहीं है। Exactly. और ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो पुलिस एहलकार जो हलाक हुए हैं वो गाड़ी के नीचे आए हैं, जो मुजाहिरीन की गाड़ी थी। टोटल ये गलत है बिल्कुल। और ताजा तरीन ये है कि इस वक्त ये दाता दरबार के सामने मुजाहिरीन, बहुत ज्यादा दर्जनों की तादाद में लोग जख्मी हैं जिनको हॉस्पिटल ले जाने की भी इजाजत नहीं दी जा रही। और अब दूसरी एक जो अफसोसनाक बात है कि वजीर दाखिला साहब जब ये सारा मामला था तो छुट्टी लेके वो दुबई चले गए मैच देखने के लिए। वजीर आजम साहब जो है वो कल सऊदी अरब जा रहे हैं, और इधर पाकिस्तान में लाहौर में इस वक्त जो सूरत हाल बनी है बहुत ही ये एक अफसोसनाक है। और दूसरी ये जो मुजाकरात की बात हो रही है, ये टीम गई है उनके पास लब्बैक के पास मुजाकरात के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई किस चीज के मुजाकरात, आपके साथ तो मुजाकरात हो चुके हैं, गवर्नर पंजाब ने, शेख रशीद साहब ने और कई मुक्तदर इदारों के लोग थे, उन्होंने वहां पर अनाउंस किया, फिर वजीर आजम साहब ने अनाउंस किया, अब मुजाकरात किस चीज के, आपके साथ एक वायदा हुआ है आप उस वायदे पे अमल दरामद करें। और मुजाकरात जो है वो बेसिकली एक फ्रॉड है और आप फिर दोबारा जो है तवज्जो हटाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा संगीन मसला है और इसको हुकूमत जिस अंदाज में डील कर रही है, आज जिस तरीके से वो पुरअमन लोग थे, कोई उनके हाथ में लाठी तक नहीं थी, उन पर आंसू गैस की शेलिंग हुई है और जिस तरीके से उन पर तशद्दुद किया गया, ये इंटाइज करने वाली बात है। और फिर एक मखसूस अंदाज में ये बात चल रही है कि जी पुलिस की गाड़ियां, पुलिस वाले जो है वो मुजाहिरीन की गाड़ियों के नीचे, ताकि उनको बदनाम किया जाए, उनके खिलाफ केस बनाया जाए। इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक ये हथकंडे हैं जो वो तैयार कर रही है और इसमें मीडिया को इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, यानी आप ये समझते हैं कि ये टोटली हुकूमत का फेलियर है और हुकूमत मामले को हैंडल करने में टोटली नाकाम हो चुकी है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान वाले जो हैं वो लाहौर की सड़कों पे सबसे पहले निकल आए और अब उनका इरादा जी इस्लामाबाद की तरफ है, और इस्लामाबाद में और लाहौर के बीच में जो है कई जगह पे इस तरह से कंटेनर्स और चीजें लगाकर, यानी के कहना चाहिए ट्रक, कंटेनर, बसेस, ये सब कुछ खड़ी करके गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि तहरीक लब्बैक वालों को लाहौर में ही रोक दिया जाए और उनको आगे बढ़ने से रोका जाए। लेकिन देखते हैं उसमें कहां तक कामयाब होते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले वही हैं जो 2 साल पहले जब आए थे और लाहौर में इन्होंने प्रोटेस्ट किया था तो ये हजार हजार के नोट लेके चले गए थे, और वो हजार के नोट बांट कौन रहे थे, बिल्कुल वो फुटेजेस मौजूद हैं और वो पिक्चर्स मौजूद हैं, और उसमें आप साफ देखा जा सकता है कि आर्मी के कुछ लोग थे जो उनको एनवेलप्स दे रहे थे और उसके अंदर जितनी भी रकम थी वो उनको दी जा रही थी और हर एक को वन बाय वन वो एनवेलप दिया जा रहा था, और फिर उसके बाद ही उन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा लपेटा और वो वहां से रवाना हो गए। उसके बाद
बाद एक बार फिर हमने देखा कि आके वो बैठे, और ना सिर्फ ये कि लाहौर में बल्कि फैजाबाद पे भी आके बैठे। उनकी डिमांड यही थी कि जी जो फ्रांस के एम्बेसडर हैं, फ्रेंच एम्बेसडर को पाकिस्तान से निकाला जाए, मुल्क बदर किया जाए। और उसके बाद फिर कुछ बातचीत हुई और दोबारा उनको वापस भेज दिया गया। यकीनन पैसे लेके गए होंगे और मुफ्त की रोटियां अलग तोड़ी होंगी उन्होंने जब आए होंगे, जितने दिन यहाँ बैठे रहे। और एक बार फिर वो अपना सारा लाओ लश्कर और अपने सारे जो मुल्ला माफिया है उसके साथ एक बार फिर एक्टिव हैं। और तहरीक लबैक पाकिस्तान वालों का फिर यही कहना है कि जी फ्रेंच एम्बेसडर को निकाला जाए। बिल्कुल जी, क्यों नहीं निकाला जाए, बिल्कुल निकाल दिया जाए। उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वो इस तरह की हरकत करें अपने ही मुल्क में रह के, फ्रीडम ऑफ प्रेस या फ्रीडम के नाम पे वो कुछ भी करेंगे। लेकिन बात सारी ये है कि अभी रिसेंटली हमारा जो बहुत ही करीबी दोस्त है, हमारा जिगर आसमानों से कहना चाहिए हिमालय से ऊंची दोस्ती और कई समंदरों से गहरी दोस्ती और आयरन ब्रदर और ये और वो, चाइना ने जी जो है वो एप्पल वालों को कह के, वो खाने वाला एप्पल नहीं, आप लोग तो सारे वक्त खाने पीने की बातें सोचते रहते हैं, बस मैं वो वाला एप्पल कह रही हूँ ना जो मैं और आप अफोर्ड नहीं कर पाते। बिल्कुल एप्पल वो जिनका फोन होता है ना, वो होता है आधा एप्पल उन्होंने खा के पीछे चिपकाया होता है, याद आ गया ना आप लोगों को। बिल्कुल, तो मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की कि उनसे कहकर और जो मोबाइल्स और उनकी एप्लीकेशंस एप्पल वालों की, उसमें से उन्होंने जो कुरान का पढ़ाया जाता था, ये कुरान एप्लीकेशन थी, वो रिमूव करवा दी है और उन्होंने कर भी दी। और चाइना ने जो है उनको रिक्वेस्ट भेजी, उनको लेटर भेजा एप्पल वालों को कि जी ये एप्लीकेशन हटा दी जाए चाइना से, और वो हट गई। और उसके ऊपर पाकिस्तान में किसी का खून नहीं खोला, पाकिस्तान में किसी को याद नहीं आया कि ये तो मुसलमान खतरे में है और इस्लाम खतरे में है। ना कोई सड़क पे आया, ना किसी ने एहतजाज किया, ना किसी ने किसी किस्म का प्रोटेस्ट किया, ना चाइना की एम्बेसी के सामने जाके लेट गए, और ना ही चाइनीज एम्बेसडर को उठा के बाहर फेंकने की बात हुई। मतलब ये चीज तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई। उससे पहले आप सब जानते हैं कि सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं, यानी जिनकी कहना चाहिए कि सलमान बिन क्या नाम है उनका, मोहम्मद बिन सलमान, उनकी जो है वो गाड़ी भी ड्राइव करते रहे हैं इमरान खान साहब। और उसके बाद हुआ क्या था कि अभी जब FATF, ये मैं आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को याद आ जाए, आप लोग भूल जाते हैं मेरी तरह, आप लोग भी बादाम खाया करें, मैं भी रोज सुबह उठ के इतने सारे बादाम खाती हूँ फिर भी मुझे कुछ याद नहीं रहता। खैर, मैं अपनी कहानी बाद में सुनाऊंगी। तो मैं ये आपको बता रही थी कि मैं क्या बता रही थी, यही बता रही थी कि मोहम्मद बिन सलमान की बात में बता रही थी कि उनकी गाड़ी तक जो है वो इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ड्राइव की। लेकिन अभी उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जी FATF में पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया है। अब ये तो एक चीज हुई, लेकिन उससे पहले उन्होंने हदीसों के बारे में भी कहा था कि ये हदीसों के ऊपर तो उनको बिलीव ही नहीं है कि वो सही भी है या बोली भी गई थी या नहीं बोली गई थी। लेकिन अभी और रिसेंटली उन्होंने FATF में पाकिस्तान के अगेंस्ट वोट किया है और इस वजह से हम फिर एक बार ग्रे लिस्ट में ही बैठे रहेंगे। और ग्रे हमें वैसे भी बड़ा पसंद है, आपको पता है ना कि रेड और ग्रे का कॉम्बिनेशन मैंने पहना भी था कुछ दिन पहले, आप लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया था, थैंक यू सो मच। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बताते हैं कि उस सब के बावजूद ना तो ये मुल्ला जो है वो सऊदी एम्बेसी के आगे गए, ना इन्होंने सऊदी एम्बेसी की गाड़ी को आग लगाई, ना ये वहां पे लेटे, ना वहां पे बैठे, ना वहां पे प्रोटेस्ट किया, ना कहा कि सऊदी एम्बेसडर को बाहर निकाल दो, ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं कहा। तो आखिर इनका इस्लाम जो है वो इन सारी बातों पर क्यों नहीं उठता, क्यों नहीं जाग जाता। वैसे भी लगता यह है कि 1947 में जब पाकिस्तान बना था उसी वक्त इस्लाम जो है वो पाकिस्तान पे नाजिल किया गया था, उससे पहले ना तो कोई इस्लाम था और ना ही कोई जानता था। क्योंकि ये जो इस्लाम पाकिस्तान में फॉलो किया जाता है मेरे समझ में तो नहीं आता, आप लोगों की समझ में आता हो तो मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन हम बात कर रहे थे जी इसकी के ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान वाले हैं आखिर इनको भेजता कौन है, यकीनन इनको कोई भेजता है, ये किसी से बात करके आते हैं इसीलिए। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, स्टार्टिंग की क्लिप एक न्यूज चैनल की थी और दूसरी क्लिप थी आरजू मैडम के वीडियो की थी, आप जाकर उनका पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान में तहरीक लबैक एक पार्टी है जो बेसिकली इस्लाम को लेकर बनी है और इस्लाम को लेकर ही लड़ती है। आपको पता होगा लास्ट ईयर फ्रांस में एक कार्टून बनाया गया था जिसके बाद वहाँ पर जिसने कार्टून बनाया था वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों ने उसकी हत्या भी कर दी थी। और उसके बाद मतलब बेसिकली पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश, ये तीन कंट्री थी जहाँ बहुत प्रोटेस्ट हुए फ्रांस के खिलाफ, बायकॉट फ्रांस इस तरीके के
हैशटैग भी चले और फ्रांस के प्रोडक्ट पर मतलब उन्होंने पोस्टर में छाप कर उन पर ऐसा क्रॉस बनाया था, इस तरीके की चीज़ें हुई थी। तो गाइज पाकिस्तान में तो ये फिर से एक्टिव हो गए, आप देख सकते हो पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक पार्टी, इसके पहले संचालक थे खादिम रिजवी, जिनकी अब डेथ हो चुकी है, उनका मतलब उनकी पावर इनके बेटे से भी ज़्यादा थी। उनके मतलब जो उनका जब उनकी डेथ हुई थी तो ऐसा बोला जाता है कि जो जिन्ना की डेथ के बाद अगर सबसे ज़्यादा लोग आए हैं तो वो उनकी डेथ पर आए हैं। तो आप समझ सकते हो कितने पावरफुल थे। हालांकि उनके वीडियो देखेंगे आप तो काफिरों के लिए काफ़ी बुरे वर्ड यूज़ किए उन्होंने, वीडियो पड़े हुए आप साहब जाकर देख सकते हो, काफिरों के लिए बहुत गंदे वर्ड यूज़ किए, काफिर का मतलब नॉन मुस्लिम। तो दोस्तों ये जो अब प्रोटेस्ट है मैं तो इसके सपोर्ट में हूँ, क्योंकि इस्लाम के नाम पर जो देश बना है उस इस्लाम की रक्षा करनी चाहिए। इस्लाम की रक्षा इनका जन्म सिद्ध अधिकार है। इन्होंने न्यूक्लियर बम बनाया जिसे वो इस्लामी बम या एटमी इस्लामी बम बोलते हैं। भाई इसकी धमकी दो कुछ फ्रांस वगैरह को, दुनिया को दो धमकी तो बहुत अच्छा रहेगा, ये भी एक अच्छी चीज़ है। न्यूक्लियर बम जहाँ रखें वहाँ पर घुसकर अपना ये इस्लामी झंडा गाड़ो और जिससे दुनिया को मैसेज जाए कि ये न्यूक्लियर बम काफ़ी सुरक्षित है। इस तरीके की चीज़ें करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों ये जो लास्ट टाइम प्रोटेस्ट हुए थे आपको याद होगा, बहुत सारे लोग मारे गए थे, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी कि इस पर बातें ना की जाएं। इस बार भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस न्यूज़ को कवर नहीं कर रहा है। और पाकिस्तान में लाहौर में इंटरनेट बंद है, लाहौर जैसा बड़ा शहर का सबसे मतलब पॉपुलेशन वाइज पाकिस्तान के जो बड़े बड़े शहर हैं उसमें आता है, तो वहाँ पर नेट बंद है। और रावलपिंडी के आसपास भी यही हाल है। तो ये प्रोटेस्ट अब लगता है उग्र होगा और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो शायद सऊदी निकल रहे हैं, तो पता नहीं इनके साथ क्या चीज़ें होगी। और ये लोग फ्रांस फ्रांस का जो एम्बेसडर है उसको निकालने के भी मूड में नहीं है, क्योंकि निकालेंगे तो इनका बहुत बुरा हाल होगा। उसके बाद जीआई स्टेटस और यूरोपियन यूनियन के सारे अगर लोग भाग जाएंगे तो पाकिस्तान में बचेगा क्या। तो मेरे हिसाब से तो जो भी है टीएलपी के लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं काम, ये मतलब इस्लाम की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको याद होगा बांग्लादेश में अभी हिंदुओं पर अटैक हुआ था, उसकी बेसिकली वजह क्या थी, एक कुरान थी जो नवरात्रि में दुर्गा जी की मूर्ति रखी जाती है, उसमें जो आपने देखा होगा आजू बाजू राक्षस रहते हैं, महिषासुर बहुत सारे राक्षस रहते हैं, उनके पैरों के पास मतलब पैरों में कुरान रखी गई थी, उसके बाद वहाँ पर दंगे उग्र हुए थे। तो दोस्तों सीसीटीवी की फुटेज से वो कुरान रखने वाला व्यक्ति सामने आ गया है, वो एक मुस्लिम है, और उसके पीछे की वजह आप समझ सकते हो, यहाँ पर ये झगड़े कराने थे वहाँ से, बेसिकली हिंदू पॉपुलेशन को शायद वहाँ से मतलब उनको डरवाना था, वहाँ से निकालना था, उनकी ज़मीन हड़पना था, तो ये फंडे अपनाए जाते हैं। उसकी वजह से आपने देखा क्या हुआ पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या हाल हुआ, कितने सारे पंडाल तोड़े गए, इस्कॉन मंदिर का एक पंडित जो पूजा करता था उसकी हत्या कर दी गई, उसकी बेटी के साथ रहे, भांजी के साथ रहे, बहुत सारी ऐसी हरकतें हुई और आप समझ सकते हो, लेकिन वो पकड़ा भी, बंदा भी पकड़ गया, तो आप समझ सकते हो कितनी गजब की साजिश की थी। मतलब ये ऑब्वियसली हिंदू पंडाल में नवरात्रि में दुर्गा जी में की पूजा हो रही है, तो वहाँ पर महिषासुर के पैर के पास कुरान कोई हिंदू क्यों रखेगा, और वो भी बांग्लादेश जैसी इस्लामिक कंट्री में रह रहा है, वो ऐसी हरकत करेगा क्यों, वो ये भी एक सोचने की बात है। तो ऑब्वियसली पता चल गया कि वो किसने रखी है। दोस्तों ये वीडियो ख़त्म होता है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाली पार्टी जो है टीएलपी, इनको फुल समर्थन है, जम के धरना करो, बिल्कुल आग लगा दो पूरे पाकिस्तान में, इस्लाम की रक्षा के लिए ही तुम मतलब तुम्हारा जन्म हुआ है। दोस्तों वीडियो खत्म होता है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी सोच